वेलकम है आप सभी का, मैं हूं पीके प्रीमेस्टिशन डॉक्टर जी। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। आज का सेशन है अपना वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर पढ़ रहे थे। और टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर में अल्टरनेटर का मेन काम आपको पता है वो क्या करता है, आपको वोल्टेज देता है। और वोल्टेज कौन सा, एसी यानी करंट पैदा करता है, एसी पैदा करता है, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होनी चाहिए। समझ में आया आपको, क्या उसे आवृत्ति होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि आपको बता दें कि आप पहले इसके फॉर्मूला यानी स्पीड, इसके पोल्स यानी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए थ्री फेज मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में आप जान चुके हैं। ठीक है, यहां शुरुआत करते वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन जो आपको अल्टरनेटर वोल्टेज देता है, जो अल्टरनेटर मान लीजिए अपना अल्टरनेटर है, और अल्टरनेटर क्या करता है आपको थ्री फेज का सप्लाई देता है। और अपना क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं। तो ये लोड जो लगाते हैं यानी फुल लोड जितना काम करता है उतना लोड लगाएंगे, और कभी फ्री छोड़ेंगे यानी बिना लोड का। इन दोनों स्थिति में वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है, सीधी सीधी बात उसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। जैसे देखिए ना क्या कहते हैं कि फुल लोड पर कितना करंट लेता है कोई भी डिवाइस, और नो लोड पर कितना लेता है। तो हम लोग इसमें चेंजिंग की बात करते हैं, लोड बढ़ गया तो करंट ज्यादा लेता है, लोड कम हो गया तो करंट कम लेता है। इसी के क्या कहते हैं रेगुलेशन, यानी कि कम ज्यादा का जो रेशियो हम निकालते हैं वो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालता है। ध्यान दीजिएगा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में क्या दिखाया है, कह रहा है कि यदि कोई अल्टरनेटर फुल लोड पर चल रहा है, मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है यानी विद्युत पैदा कर रहा है, उसको फुल लोड जितना लोड चाहिए उतना लोड पर आप लगा दिए वो चल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो उसकी फीड एक्साइटेशन तथा गति को समान रखते हुए, मतलब याद रखिएगा अल्टरनेटर में क्या था, इसके फील्ड में एक्साइटेशन देते थे, इसका जो वोल्टेज है उसको समान रखते हुए, और इसका जो एन है यानी एनएस स्पीड से घुमाते हैं वो दोनों को क्या करें सेम रखिए। और क्या करिए, फुल लोड लगा हुआ है, आप क्या करिए लोड को खोल दीजिए, लोड को हटा दीजिए। जब लोड को हटा दीजिएगा तब क्या होगा है कि उसके लोड को पूरा हटा दिया जाए, तब उसके टर्मिनल वोल्टेज जो आपको टर्मिनल पर वोल्टेज मिलता है, या टर्मिनल यहां पर होता है ना, जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलता है तो वो क्या कहते हैं, टर्मिनल पर वोल्टेज मिलता है क्या है, वोल्टेज में परिवर्तन होता है। तो उस अल्टरनेटर का विभव नियम कहते हैं, क्या बोले हमने कहा कि फुल लोड पर कितना वोल्टेज है और नो लोड पर कितना वोल्टेज है, वही इसको पता करने के लिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। आपको इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको ट्रांसफॉर्मर में भी लागू होगा और यहाँ भी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन निकालना होता था और इसमें भी निकालना होगा। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, नो लोड आउटपुट पर कितना बात कर रहा है। तो चेंजिंग का मतलब क्या, कहाँ पर चेंजिंग, फुल लोड पर आपका टर्मिनल वोल्टेज, मान लीजिए फुल लोड पर आपका, मान लीजिए अल्टरनेटर छोटा सा लेते हैं, छोटा सिंगल पे रखते हैं, थ्री फेज में बहुत ज्यादा 440 वाले लेते हैं, मान लीजिए कि फुल लोड पर 440 वोल्ट दे रहा है, समझ गए। और याद रखिएगा सॉरी इसको कम कर दीजिए, 400 कर दीजिए, नो लोड पर आप जो भी वोल्टेज देता है 400 कर दीजिए। तो ये कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए कि रेगुलेशन निकालता है कितना का डिफरेंस होता है, ये कहता है कि वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड, तो फुल लोड के पास क्या होगा, तो नो लोड माइनस फुल लोड बटे नो लोड, याद रखिएगा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड बटे नो लोड। नो लोड में क्या है, फ्री है, बहुत ज्यादा जितना टाइम आपको मिल जाएगा पता जाएगा, लेकिन लोड बढ़ने से क्या होगा, कोई लॉसेस होंगे, ये अंतर क्या होगा, इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम इसको क्या नोट करके रखिएगा। और याद रखिएगा आपको किसी भी क्वेश्चन में खोलिएगा आपको अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है वोल्टेज रेगुलेशन। सीधा सा एक लाइन में कहना, फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज, नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज, का यहां पर देखिए, और फ्रैक्शन की बात करें नो लोड से क्या डिवाइड करिए, तीन लाख रेगुलेशन, इसी को विभव का नियमन कहते हैं, समझ गए। चलिए आगे इसको नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला है, सबको समझ में आ गया, लेकिन एक नंबर पर है इससे। ठीक है, चलिए शुरू करें। आगे कहा है कि एक चीज होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन के समय क्या क्या चीजों को देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लीडिंग लोड, लीडिंग लोड का मतलब क्या हुआ, लोड अगर बढ़ रहा है, माने लोड कुछ लगाए फिर और बढ़ा के लगाए फिर और बढ़ा के लगाए, लीडिंग लोड। ठीक है, तो लीडिंग लोड पे क्या होगा, रेगुलेशन क्या होगा, सॉरी यहाँ पर पहले लैगिंग लोड, ध्यान दीजिए पहले लैगिंग है, लीडिंग नीचे में, लीडिंग को बात करते हैं, लैगिंग लोड, लोड अगर लैगिंग वाला, लैगिंग मतलब पीछे कम, लोड अगर लैगिंग वाला है यानी इंडक्शन वाला की बात करें, लैगिंग कहाँ होता है, इंडक्शन वाला है ना, तो जहाँ लैगिंग वाला लोड होगा वहाँ पर होगा क्या होगा, ये आपका रेगुलेशन क्या जाता है, बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। मान लीजिए इंडक्शन वाला में ज्यादा डिफरेंस होता है तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, सीधी बात है, धनात्मक मतलब बढ़ जाता है। जब लोड लीडिंग हो, लीडिंग मतलब लीडिंग पावर फैक्टर की बात की जा सकती है, लीडिंग लोड, लोड बढ़ रहा है और लोड चाहे लीडिंग है, लीडिंग समझ रहे कि नहीं, आपको जहां पर पावर फैक्टर लीडिंग होता है वो लीडिंग लोड कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन आप क्या करें, डिक्रीज कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब यहाँ जो नो लोड, नो लोड माइनस फुल लोड का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही बात है, निगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये लिखा जाता है कि लीडिंग लोड, लैगिंग लोड होता है, इंडक्शन वाला लोड होता है, वहाँ पर आपका रेगुलेशन बहुत अंतर हो जाता है, जितना टर्मिनल पर देना चाहिए लोड में और लोड पर देना चाहिए दोनों अंतर ज्यादा हो जाता है, और लीडिंग लोड रहेगा तो अंतर का डिफरेंस क्या कम होगा, रेगुलेशन क्या कम हो जाए, समझ मेरी बात को। चलिए आगे बढ़े, चलिए पिन करते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। और याद रखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका फेज सीक्वेंस पूछता है, फेज सीक्वेंस का मतलब इसके जो फेज सीक्वेंस कला अनुक्रम जिसको बोलते हैं, तो कला अनुक्रम होना चाहिए लाल पीला और नीला, लिखा हुआ आर वाई बी, आर से लाल रेड और वाई से येलो, ये भी आप लोग जानते हैं, इसको जाते टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। चलिए आज सुनो कर लीजिए, चलिए आगे बढ़िए, हम लोग बात करें ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर, याद रखिएगा इसका फॉर्मुला बहुत जरूरी है, आपको अब पांच नंबर लाना नहीं है, इस फॉर्मुला को क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है यानी डेरिवेट नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है क्या कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, यानी आप कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो बहुत बेटर है कि आप फॉर्मुला याद रखिए, फॉर्मुला एकदम इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुला याद है बस आप छोटी मिसाल बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर की बात है, अब ध्यान दीजिएगा क्या ये आपका ईएमएफ इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा ये ईएमएफ इक्वेशन आपको याद रखना चाहिए, और ये कैसे थोड़ा सा आपको ये ईएमएफ इक्वेशन कैसे पैदा होगा, मान लीजिए आपका अल्टरनेटर है, आपको बता रहे अल्टरनेटर है, ये आपका स्टेटर है, स्टेटर फील्ड वाइंडिंग होता है और आपका यूटर है, जैसे यूटर में क्या करते हैं फ्लक्स निकालते हैं और कटवाते हैं, याद रखिए एक कॉइल की क्या करते हैं दो सिरा होते हैं, जैसे कॉइल का अपना क्या करते हैं देखिए ये होगा, तो जैसे प्लस निकलता है ये कटेगा ये कटेगा, इसका मतलब मान लीजिए इस वाले में भी ये पैदा होगा, ये घूम के प्लस के पास आएगा, इसमें भी होगा, यानी जो ये पैदा होगा टू टाइप होगा, ध्यान दीजिए इधर नहीं समझेगा, और ये क्या इन दोनों के बीच डिस्टेंस को कॉइल स्पिन कहते हैं, क्या कहते हैं कॉइल स्पिन, याद रखिएगा जिसको केसी से नोट करता हूं। ठीक है, केसी से आगे हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए आपको याद रखना चाहिए कि जो आपका ईएमएफ इक्वेशन है, सीधा सीधा बात रखिए कि कोई भी अल्टरनेटर हो या जनरेटर हो उसमें ईएमएफ पैदा करने की क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बात करें पोल चाहिए, ठीक है, ध्रुव चाहिए, कौन सा चुंबकीय ध्रुव, उस बात क्या चाहिए, इसे फ्लक्स निकलेगा, क्या फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, और क्या चाहिए फ्लक्स चाहिए, ठीक है ये फ्लक्स चाहिए, और क्या चाहिए इसके लिए कंडक्टर चाहिए, क्या चाहिए कंडक्टर चाहिए, ठीक है, और आपका स्पीड चाहिए m, यहाँ पर जो हम लोग जो ईएमएफ निकालते हैं तो वो पर सेकंड, इसमें पर सेकंड कंडक्टर निकालते हैं, देखिए हम लोगों का जो स्पीड होता है वो आरपीएम में होता है, तो अपन यहाँ पर जो स्पीड लिखेंगे वो n में छोटा n लिखेंगे, लेकिन छोटा n वाला क्या मतलब n बटे 60, इसका मतलब ये है पर सेकंड वाला, ये है पर सेकंड और ये है आरपीएम, ये आरपीएस में है,
याद रखिएगा ये अपना एक सेकंड की बात कर छोड़ा है और बड़ा वाला एडवर्टाइज करें तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक होती है जब ये निकलता है फ्लक्स से इसकी स्पीड होती है तो यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी होता है, क्यों होता है फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा यहाँ तीन कॉइल होता है ठीक है, कोई भी फ्लक्स काटेगा इसको काटेगा इसको काटेगा इसको काटेगा बार बार काटेगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपना ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको मैंडेटरी बता रहे क्या क्या चीज होना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि स्पीड होना चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो एन निकाल लीजिए क्या क्या एन बराबर क्या होता है 120 एफ बटा पी ठीक है, ये जो एन बराबर एक सभी सेपरेट अपी है ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए अपना जो कोई भी कंडक्टर में अगर ईएमएफ पैदा होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं याद रखिए थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसलिए लिख देते हैं जैसे अपना ईएमएफ जो पैदा होता है ईएमएफ तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक कॉइल है एक कॉइल में अगर बात करें सिर्फ हम लोग ईएमएफ निकाल रहे एक ही कॉइल क्योंकि एक कॉइल में निकालेंगे तो कॉइल से कुछ हो जाएगा आप निकल जाएगा। देखिए एक कॉइल को कंडक्टर जब काटता है तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहते हैं क्या पी पहले पोल फाइव ये पी फाइव टोटल फोर प्लस हो गया और याद रखिए टोटल फोर प्लस को निकालता निकालता है लेकिन अपना यहाँ पर एन की बात करें स्पीड की बात करें स्पीड हो जाएगा टोटली बात करें सेकंड में था यहाँ पर जाएगा अपना आरपीएम क्या है आरपीएम इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर एन की बात की है ये एन रखेंगे आप याद रखिए एन वाला भी क्या लिखें यहाँ पर निकालिए ये एन वाला क्या 120 बटा पी तो इसे क्या करें एन की जगह लिख सकते हैं आप पी फाइव और एन की जगह क्या रखिए 120 और एफ बटे क्या रखिए पी है 60 है ना 60 ये पी नीचे आ जाएगा ना बटे पी है ये पी नीचे आ जाएगा तो ये पी हो जाएगा और ये पी और पी क्या कैंसिल हो गया और 60 गुना 120 हो गया क्या हो जाएगा 120 ये हो गया 25F ये इतना हो जाएगा ना यानी याद रखिएगा इस कॉइल में एक कॉइल में 25F ये इसके बड़ी पैदा पर फेस की बात करें तो पर फेस के बारे में नहीं लिखे पर फेस लिखेंगे आपको अब एक ही क्वाइल में बात कर रहे हैं एक क्वाइल अगर ये दोनों हो जाए तो टोटल निकलेगा एवरेज जो निकलेगा आपको इसमें भी 2 5 f और इसमें भी 2 5 f टोटल निकलेगा कितना 4 5 f कितना निकलेगा 4 5 f यानी दोनों क्वाइल की बात करें ये हो जाएगा 4 प्रति क्वाइल की बात करें सीरीज में क्वाइल लगे हुए तो प्रत्येक क्वाइल में टोटल क्वाइल की बात करें तो टोटल क्वाइल हो जाएगा आपको 4 5 f क्या हो जाएगा 4 5 f देख रहे हैं यहां पर 4 5 f और ये जो TPH है TPH का मतलब हुआ कि इसमें कंडक्टर टोटल ठीक है ये कंडक्टर यहां है और ये कंडक्टर यहां है एक फेज के लिए कंडक्टर TPC TPH के लिए टू कंडक्टर हो जाएगा जनरल टू TPH हो जाएगा ठीक है ये पर अभी हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न इसको समझिए देखिए बाकी आपको याद रखना है लेकिन आपको ये कह रहे हैं यहां पर ठीक है ध्यान दीजिएगा कि इससे होता क्या कि आपको जानकारी याद है कि सारी चीज कहाँ से आया क्या क्या लिखा गया ठीक है देखिए देखिए एक चीज होता है अपना फॉर्म फैक्टर एसी में क्या होता है एसी में जो होता है उसका फॉर्म फैक्टर होता है तो फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस बटे एवरेज और आरएमएस बटे एवरेज आपको बताया एसी पढ़ने के समय उसमें बताया था एसी का जो फॉर्म फैक्टर है वो होता है 1.11 तो हम लोग यहाँ पर क्या कौन सा वैल्यू निकालते हैं हम लोग निकालते हैं आरएमएस वैल्यू क्या निकालेंगे आरएमएस वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ देखिए आरएमएस हो जाएगा ये हो जाएगा एवरेज इनटू फॉर्म फैक्टर तो हम लोग एवरेज कितना निकालेंगे 4 5 f मतलब इसमें भी 2 5 f इसमें भी 2 5 f दोनों में 4 5 f होगा और टोटल एवरेज करें तो 4 5 f और जो आरएमएस निकालना है तो आपको किसी को करना पड़ेगा क्या कहते हैं 1.11 से ठीक है यहाँ पर तो ईएमएफ एक फेज पर फेज अगर बात करें तो पर फेज 1.11 और ये एवरेज निकालने से क्या करना पड़ेगा ये पीपीएस की बात करें याद रखिए यहाँ पर ये फेज फैक्टर में आपको बात करके लिखेगा लेकिन एक चीज होता है इसमें ध्यान दीजिएगा कभी कभी इसमें दो चीज इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको क्लीन करते हैं आगे बात करते हैं ठीक है चलिए ये देखिए ये आप यहाँ पर ये आप ऐसा होता है कभी कभी आप इसमें दो चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक होता है कॉइल्स में तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कौन सा करते हैं केडी से आगे हम लोग वाइंडिंग को पढ़ेंगे इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और होता है केसी ठीक है केसी होता है क्या कॉइल स्पीड ठीक है फैक्टर ठीक है पीच फैक्टर है केसी पीच फैक्टर या कॉइल स्पीड ठीक है इसको सिर्फ आप याद रखना टोटल ईएमएफ अगर अल्टरनेटर की बात करें हो जाएगा ई पीएच बराबर 4.44 याद रखिएगा ए 44 फ्रीक्वेंसी इंटू 5 और पर फेज का टीपीएच और इंटू केसी इंटू केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये दोनों हो जाएगा और टोटल जो ईएमएफ होगा एक कॉइल में इतना हो जाएगा ईएमएफ ये पूरा लिख लीजिएगा ये आपको काम देगा। दूसरा बात यहाँ पर एक चीज पूछता है केसी इंटू केडी को हम लोग बोल सकते हैं केसी इंटू केडी इन दोनों होता है केडब्ल्यू के बराबर टोटल ठीक है याद रखिएगा केडब्ल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि केसी इंटू केडी के जगह अगर इक्वेशन को बढ़ा दिया जाए ये हो जाएगा 4.44 f 5 टी पर फेज कंडक्टर की बात करें और ये हो गया केसी यहाँ पर केसी इंटू केडी को केडब्ल्यू लिख सकते हैं और ये ईएमएफ देगा आपको किसमें देगा वोल्टेज में देगा किसमें देगा वोल्टेज ठीक है तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इसी से आपको क्या क्वेश्चन बन जाएगा कोई भी अल्टरनेटर कितना वोल्टेज देगा ईएमएफ देगा ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा ठीक है इसको आप नोट कर लीजिए अल्टरनेटर का ईएमएफ क्वेश्चन है इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे इस पर जो आपको पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और नेक्स्ट इस पर न्यूमेरिकल एक आ जाता है उसको हम पढ़ाएंगे चलिए शुरुआत करें आगे चल आगे चलते हैं करें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी बराबर जो होता है थोड़ा क्लीन कर जाओ ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को केडी सूचित करता है केडी क्या होता है आपको समझ आता है सभी कॉइल में ईएमएफ का वेक्टर जो जितना भी कॉइल है ना इस कॉइल में जितना भी कॉइल हम बनाए थे ये इसमें भी ईएमएफ और इसमें भी ईएमएफ ऐसे कई सारे वाइंडिंग होते हैं इसके साथ ठीक है कई सारे कॉइल होते हैं तो सभी कॉइलों में आप ईएमएफ का वेक्टर जोड़ मतलब वेक्टर एडिशन आपको याद है आपको वी टोटल होते थे तो रूट अंडर क्या होता है जो कॉइल होता है वीआर स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर ये टोटल जितना भी आप अल्जेब्रिक सम अलग होता है और वेक्टर जोड़ अलग होता है आपको बताया क्लियरली ठीक है तो सभी कॉइल में ईएमएफ का वेक्टर जोड़ बट सभी कॉइल में ईएमएफ का अर्थमेटिक जोड़ सीधा जोड़ देता है इसका जो रेशियो होता है क्या केडी होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है याद रखिएगा अब केसी और केडी में चीज आपको पूछता है ध्यान दीजिएगा क्या पूछता है कि याद रखिए कॉइल स्पिन क्या होता है केसी हमको आपको बताएंगे कॉइल स्पिन क्या होता है ध्यान दीजिएगा जब एक कॉइल की दो साइड चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे से 180 डिग्री पर रखा जाता है तब कॉइल को फुल पीछे या कॉइल स्पिन कहते हैं देखिए हम क्या कहते हैं ये पोल है और ये पोल है तो दोनों एन है मान लीजिए यस है इसको ऐसे रखा जाता है और ऐसा ध्यान यहाँ पर बनाया है ये देखिए ना यहाँ पर ये एक से दो पोल के बीच 180 डिग्री पर रखा जाएगा तो ये कॉइल ये दूसरे से क्या डिग्री पर होगा और इसके बीच के इसको कॉइल स्पिन बोलेंगे अब वाइंडिंग करेंगे हम लोग पूरा वाइंडिंग चैप्टर में पूरा कंप्लीट देखेंगे इसको कुछ ऐसा मत लीजिए ये वाइंडिंग में पूरा कॉइल स्पिन पीच फैक्टर केडी रेडिएशन फैक्टर जो भी निकालना आपको एंगल डिग्री सब निकल जाएगा ये क्या कॉइल स्पिन है याद रखिएगा और हमसे बात करें ये मत लीजिए ये एक साइड है और ये एक साइड मान लीजिए इसको फर्स्ट काटेगा इसमें भी मैं पैदा इसमें भी मैं पैदा इसको काटेगा दोनों का एवरेज हम निकालते थे ये होगा क्या आपका कॉइल स्पिन ठीक है यहाँ पर लिखिए और कह रहा है कि जब फुल पिच वाइंडिंग होगा फुल पिच का मतलब समझेगा ये यहाँ पर और ये अभी तो फुल पिच नहीं यहाँ पर बात करें ये कॉइल यहाँ तक आ जाएगा ऐसा फुल पिच वाइंडिंग होगा ऐसी स्थिति में अभी इसको केसी बार 1 पे चाहिए ये सब हम आपको बताएंगे आप ऐसा मत लीजिए वाइंडिंग चैप्टर में आपको बताएंगे थोड़ा कुछ समझिए केसी बार क्या होता है 1 तब जब फुल पिच वाइंडिंग करेंगे तो आपको पूछेगा अल्टरनेटर फुल पिच वाइंडिंग क्या है ये जो केसी है केसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा एकदम याद रखिएगा 1 और जब फुल पिच वाइंडिंग किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है 1 से कम होता है 1 से
एक से कम याद रखेगा, एक अधिक होगा और एक से कम होगा, लेस देन वन होगा। ये बात आपको याद रखे, क्वेश्चन में पूछेगा आपको याद रखेगा, ठीक है। ये आपका था कॉइल स्पिन कॉइल फैक्टर की बात करें, स्क्रीन कर देते हैं। उसका अल्टरनेटर लॉसेस देखिए, ये सारे तो ये पैदा हो गया, ये पैदा होते हुए लॉस भी होता है। जैसे हम आपको बताए थे यार कि आप क्या होता है, यहाँ पर आपका मालिक कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं, आप ये फर्स्ट कटाए और इसको कटवाए, ये फॉल्ट कितना था, तीन फेज की समझेगा, एक दो तीन फेज, तो तीनों फेज में कॉइल होगा, यानी कंडक्टर होगा, ठीक है। तीनों फेज में कंडक्टर होगा, ये स्टेटर वाला है और इसके रोटर में भी ध्यान दीजिए, इसके रोटर में वाइंडिंग होगा, इसमें डीसी सप्लाई देंगे फ्लक्स बनाने के लिए। याद है इसके स्टेटर में भी तीन कॉइल, थ्री फेज वाइंडिंग के लिए कॉइल भरा हुआ था और इसके रोटर में भी कॉइल भरा हुआ था। तो कॉइल में जब करंट जाता है भाई, करंट पैदा होता है तो क्या होता है, करंट जाने की वजह से उसमें लॉस होता है। वो लॉस होता है किस पर, आई एस पर आर के, ठीक है। आई एस पर आर जो लॉस है वो क्या है, ऊष्मा हानि है, क्या है, ऊष्मा हानि। भाई कोई भी कॉइल में जो हीट लॉस देगा, करंट जाएगा, तो कौन सा हानि देगा, वो ऊष्मा हानि देगा भाई, समझिए बात, क्या ऊष्मा हानि, क्योंकि आई एस पर आर क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हीट पैदा करता है। अब लॉसेस की बात करें, टोटल बात करें, इसमें क्या क्या लॉस हो सकता है, सबसे पहले कॉपर लॉस सबसे ज्यादा होगा, इसमें कॉइल ज्यादा है, दूसरा घर्षण होगा, दूसरा मैकेनिकल सारा चीज होगा, इसको सबसे पहला हम आपको बताते हैं, सबसे पहला लॉस क्या होता है आपको बताते हैं। अल्टरनेटर में जो लॉसेस होगा, सबसे पहले कॉपर लॉस की बात करें, ध्यान देगा, एक एक लिखेंगे, सबसे पहला होगा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस यानी ध्यान देगा, कॉपर लॉस यानी तांबा हानि, ये माने जी। तो कॉपर लॉस में कहां कहां कॉपर है, कॉपर स्टेटर में भी है और रोटर में भी है, तो पहला इसे ए नंबर में लिख सकते हैं हम लोग, स्टेटर में कॉपर लॉस, स्टेटर समझ रहे हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस अगर निकालेगा तो स्टेटर में स्टेटर के कॉपर में जितना करंट जाएगा आई स्क्वायर एस स्टेटर में वाला करंट और इसके इसका जो रेजिस्टेंस है स्टेटर वाला इसका, ये आपका क्या लॉस होगा, ये लॉस आपको वाटेज में भी कह सकते हैं, हमारा वाट में जाता है लॉस, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा इसमें रोटर में कॉपर लॉस होगा, क्या, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कॉइल और कॉइल में डीसी सप्लाई देते थे और ये डीसी सप्लाई की वजह से ध्यान देगा, जब करंट जाएगा तो इसमें क्या पैदा होगा, हीट पैदा हो जाएगा, तो हीट पैदा होगा, यहाँ पर वही लॉस होगा, ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर का और आर आर मतलब रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर में जाने वाला करंट, इन दोनों का गुणनफल होगा, क्या होगा, रोटर में कॉपर लॉस होगा, ये दोनों क्या थे, कॉपर लॉस थे, ठीक है। अगर इसके बाद कॉपर लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस यहाँ पर खत्म हो जाता है, कॉपर लॉस के बाद देखिए आता है आपको, ध्यान दे लीजिएगा भाई, यहाँ पर आई एस जो लिखा है, आई एस यहाँ पर लिखेगा, आई एस जो लिखा है वो स्टेटर करंट है, स्टेटर करंट, ठीक है, और आई आर एस जो लिखा है वो क्या है, स्टेटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो बोल रहे हैं तो इसको आप क्या करें, लिख लिया करें, आई आर का मतलब रोटर करंट, रोटर धारा, आर आर का मतलब होगा ये रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आपको अंदर घुमाना है। इसके बाद ये कॉपर लॉस हो गए, कॉपर लॉस के बाद अब आता है आयरन लॉस, देखिए कॉपर लॉस के बाद क्या है, आयरन लॉस, और आयरन लॉस कहां होता है, ध्यान आयरन लॉस, तो आयरन लॉस भाई कोर में होगा, पता है जहां जहां कोर है वहां आयरन लॉस होगा, ध्यान दीजिएगा, आयरन लॉस को आप कोर लॉस लिखा, चलिए दूसरा नंबर में क्या बात करें, आयरन या ऐसे कौन कह सकते हैं, कोर लॉस, क्या सकते कोर लॉस, इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, याद है, अब बार बार हमने नहीं लिखा कोर लॉस, नहीं, सबसे पहला कोर में जो होता है वो ईडी करंट लॉस, क्या होता है, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को क्या कह सकते हैं, बबल धारा, याद है आपको, बबल धारा लॉस, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका हिस्टेरेसिस लॉस, क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस, हां ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों लॉस, और ये आपका हो गया क्या, याद रखिए, ये हो गया आपका आयरन लॉस यानी कोर लॉस, ये दोनों, ये लगभग बहुत कम होता है कॉपर लॉस की तुलना में, कॉपर लॉस की तुलना में बहुत कम होता है, कौन, कोर लॉस, या कोर लॉस की बात करें, ईडी करंट लॉस की बात करें, आप याद होना चाहिए कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को लिमिटेड बनाया जाता है और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए किस मेटेरियल का बनाया जाता है, सिलिकॉन का मात्रा उसमें होना जरूरी है, क्योंकि सिलिकॉन का हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा कम होता है, चलिए यहां तक इसको नोट करिए, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद इसी में एफिशिएंसी आ रहा है, छोड़ दीजिए उसकी बात नहीं, पीछे इसमें लॉस नहीं लिख देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, आई अब हम लोग बात करें इसका, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक हानि का, चलिए अब यांत्रिक हानि की बात करें, तीसरा नंबर में बात करें यांत्रिक हानि का, किसका, यांत्रिक हानि, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस। अब भाई बताओ मैकेनिकल लॉस कौन है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, घूमने वाली जगह जहाँ जाओगे वहाँ क्या क्या चीज होंगी, घूमने में क्या क्या परेशानी होता है, उसके वजह से जो लॉस होता है, हानि होता है, सबसे पहले बेयरिंग लॉस कह सकते हैं, बेयरिंग यानी घर्षण लॉस इसको बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस। उसके बाद आता है क्या कि दोनों स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप होता है, तो एयर गैप में की वजह से विंडेज लॉस यानी हवा, एयर मतलब विंड मतलब हवा होता है, एयर मतलब हवा होता है, तो विंडेज लॉस भी कह सकता है, तो एयर लॉस भी कह सकता है, याद रहेगा ये दोनों किसमें आता है, घर्षण लॉस आता है, ठीक है। तो मैकेनिकल लॉस में दो चीजें आपको बता दें, सबसे पहले एयर नंबर बात करें, एयर नंबर होगा आपका स्टेटर स्ट्री लॉस, बहुत ज्यादा पूछना है आपका स्ट्री लॉस, स्ट्री लॉस, देखिए स्ट्री लॉस को हिंदी में प्रकीर्ण हानि के रूप में पूछता है आपसे, ठीक है, तो प्रकीर्ण हानि ये भी आपको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन छोटे चले आते हैं, उसको याद होता है, वो स्ट्रे लॉस याद रखता है, स्ट्रे लॉस याद रखता है, इसे प्रकीर्ण हो जाएगा तो उसका दिमाग संकीर्ण हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कभी पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ठीक है। तो स्ट्रे लॉस की बात करें, स्ट्रे लॉस में क्या क्या आता है, ये देखिए स्ट्रे लॉस में आता है आयरन लॉस, क्या, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस मैकेनिकल लॉस मतलब आयरन लॉस का मतलब, देखिए आयरन लॉस मतलब हिस्टेरेसिस और ईडी करंट को जोड़ दीजिए और टोटल फ्रीक्वेंसी, देखिए समझा देते हैं, आपको कभी भूलना नहीं है, देखिए हमने कहा कि सबसे पहले आयरन लॉस, आयरन यानी लोह हानि, आयरन लॉस जिसको हम क्या बोलते हैं, लोह हानि, समझिएगा लोह हानि, उसके बाद क्या कहा मैकेनिकल लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल लॉस, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, यांत्रिक हानि, क्या यांत्रिक हानि, ये दोनों चीज देखिए, ये जो आपका आयरन लॉस है इसमें क्या आया था, ईडी करंट लॉस, इसमें आपका आया था हिस्टेरेसिस लॉस, साइथिलियन या हिंदी में कहें इसमें भंवर धारा हानि, अगर तीनों लिखेगा भंवर धारा हानि और साइथिलियन हानि, क्या कहेगा साइथिलियन हानि, ये पूरा जोड़ देगा इसमें यांत्रिक हानि, यांत्रिक हानि अगर इसको लिखना तो भंवर धारा हानि, साइथिलियन हानि और घर्षण हानि, ये भी जोड़ दे तो एक ही बात है, लेकिन शॉर्टकट लिखेगा लो हानि और यांत्रिक हानि को जोड़ दीजिए तो यानी कॉपर हानि को हटा दीजिए, समझिए कॉपर यानी ताम्र हानि को साइड कर दीजिए और मैकेनिकल और कोर लॉस को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका स्ट्रे लॉस, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना ये बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें, अब कांस्टेंट लॉस अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ तक बहुत जरूरी है, इसको पहले आप नोट करिए उसके बाद आपको बताते हो गया। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं ये जो कोर लॉस है
कोर लॉस तो आपको पता है आयरन लॉस जिसको बोलते हैं, आयरन लॉस में दो चीजें होती है, एक डिपेंडेंट लॉस एक सेकेंडरी लॉस। जो भी मटेरियल लगा दिए उसका हिस्टेरेसिस कांस्टेंट होगा, उसका जो हानि होगा कांस्टेंट होगा। जो भाव धारा एडी करंट होगा, एडी करंट में भी फॉर्मूला में आपको बताया कि एडी करंट लॉस के बारे में एक केई जो कांस्टेंट होता है वहां पर लिखा होता है। ये दोनों लगभग से क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है कांस्टेंट होता है। और फ्रिक्शन की वजह से जो बेयरिंग लगे आपके जो बीच में एयर गैप एयर है ऐसा नहीं जितना एयर गैप उसमें और ज्यादा आ जाएगा तो उतना ही आएगा। ये सारे लॉसेस को कांस्टेंट लॉस भी कह सकते हैं या आप कांस्टेंट लॉस लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इसको समझ कर लीजिए, लॉसेस लिख रहे हैं ठीक है भाई, अब हम क्या लिखे कांस्टेंट लॉस इसी में स्टार्ट दीजिएगा। तो ये पूछेगा कौन सा लॉस नहीं बदलता है, इसलिए इसे क्वेश्चन से पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा लॉस है जो नियत रहता है, इसमें कांस्टेंट हानि यानी लॉस। कांस्टेंट लॉस को हम क्या क्या लिखते हैं, नियत हानि। कांस्टेंट मतलब बदलता नहीं, नियत हानि ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, ये जो आपका नहीं बदलने वाला लॉस है वो है अभी चर्चा की आयरन लॉस। आयरन लॉस यानी लो हानि, और लो हानि के साथ साथ क्या मैकेनिकल यांत्रिक मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस मतलब क्या है आपको याद है, यांत्रिक हानि, यांत्रिक हानि। ये लॉस होगा जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा आपका कौन, याद रखिए ये आपका कांस्टेंट लॉस। अब वेरिएबल लॉस की बात करें, ये सभी लोग को जानते हैं कि वेरिएबल लॉस क्या होगा। वेरिएबल लॉस ऐसा कौन सा लॉस है जो बदलता रहता है, वेरिएबल लॉस यानी जिसको बोलते हैं हम परिवर्तनशील हानि, परिवर्तनशील हानि। अब देखो भाई कौन सा हानि है जो बदलता हुआ रहता है, समझ रहे बात को, परिवर्तनशील हानि में अगर बात करें तो एक चीज आपको याद है, जहां भी कॉपर लॉस होगा चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, परिवर्तनशील हानि का चर्चा जब करे इसका लिखना कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। लेकिन इसमें कॉपर लॉस कहां कहां लिखेंगे, कॉपर लॉस लिखेंगे। अब कॉपर लॉस को यहां पर दो तीन चीज है, तीन कॉइल में तीन फेज में लॉस है, तीनों फेज के कॉइल में कॉपर लॉस निकालेंगे, और टोटल कॉपर लॉस यहां पर स्टेटर फील्ड का कॉपर लॉस और रोटर फील्ड का कॉपर लॉस आपको शुरू में लिखा है, ये कॉपर लॉस होगा। ओके परिवर्तनशील हानि कैसे परिवर्तनशील होगा, ध्यान दीजिए देखिए जब भी क्या लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, लोड बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ेगा। जैसे करंट का मान बढ़ा तो स्टेटर वाला जो वाइंडिंग है, जो स्टेटर वाइंडिंग है और जो रोटर वाइंडिंग है, करंट बढ़ने से इसका आई का मान ज्यादा बढ़ेगा और लॉस का मान ज्यादा बढ़ेगा। इसमें जो होगा ये कौन सा लॉस होगा, परिवर्तनशील लॉस यानी वेरिएबल लॉस होगा ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल लॉस आपको निकालना है, कुल लॉस निकालना है तो कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस का जोड़ दीजिए तो आपको कुल हानि निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कुल हानि। लेकिन कुल हानि से आपको क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट यहां तक, लेकिन लिख देते हैं भाई कुल हानि यानी टोटल लॉस अगर होगा तो क्या होगा, टोटल लॉस यानी कुल हानि अगर आपको निकालना हो तो कुल हानि निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कुल हानि, कुल हानि के लिए ये कांस्टेंट लॉस जिसको बोलते हैं हम लोग टोटल लॉस यानी कुल हानि होगा, कांस्टेंट लॉस जिसको नियत हानि बोलते हैं, नियत हानि प्लस परिवर्तनशील हानि को जोड़ दीजिएगा तो टोटल लॉस निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक है। इसको नोट करिए और सुने हैं तो सुनकर भी लिख लीजिए, समझ रहे ना, चलिए आगे चले। अब तो लॉस जैसे आप कितना पैदा हुआ कितना लॉस हुआ इन दोनों के बीच में रेशियो निकालें तो उसका एफिशिएंसी निकालता है, मतलब आउटपुट कितना मिला आपको, आपको कितना मिला इसमें खर्चा कितना किए थे, उतना ईएमआई पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना शक्ति लगाए थे और कितना शक्ति आपको मिला, इस शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, किसका आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या कराता है, एफिशिएंसी कराता है। आप पहले से जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो एफिशिएंसी दक्षता वाला होता है, दक्षता एफिशिएंसी वाला लिखते हैं, एफिशिएंसी वाला क्या होता है आउटपुट बटे इनपुट यानी आउटपुट ओपी आउटपुट बटे आईपी यानी इनपुट होगा ठीक है। समझिए तो इसका परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी वाली करते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो ये हो जाएगा आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100। ये आपको हमसे याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप फॉर्मेलिटी है आपको लिखना पड़ता है, आपको लिखना जरूरी नहीं तो कहीं एफिशिएंसी पाए नहीं ठीक है, सब याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़िए, अब एफिशिएंसी किस किसमें आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लिख दिया काम चल जाएगा ठीक है। एफिशिएंसी जो अल्टरनेटिव होता है ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब आप अल्टरनेटिव एफिशिएंसी की बात करें, अल्टरनेटिव किसका अल्टरनेटिव एफिशिएंसी, ये आप लिखेंगे अल्टरनेटिव एफिशिएंसी की बात करें तो अल्टरनेटिव का इनपुट आउटपुट किसमें होता है याद रखिएगा, इसका जो आउटपुट होता है होता है केवीए, शायद याद रखिएगा केवीए, आपका रेटिंग केवीए रेटिंग होता है ना, क्योंकि आपको पता है इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं तो यहां पर जो नियम लागू होता है ट्रांसफार्मर वाला होता है केवीए इनटू पावर फैक्टर, क्या पीएफ पावर फैक्टर। अब इनपुट की बात करें, इनपुट में केवीए पावर फैक्टर प्लस लॉस, मतलब आपको जो पूरा इनपुट होगा या आउटपुट जो हुआ उसमें कुछ लॉस हुआ तो लॉस को भी जोड़ दीजिए, और आप कितना केवीए दिया लॉस में जोड़िएगा, ये तो आउटपुट है, आउटपुट में लॉस जोड़ दीजिएगा तो क्या टोटल इनपुट निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा केवीए प्लस ये पावर फैक्टर प्लस लॉस है, यहाँ से आपको लॉस में पता चलेगा तो आपको निकल जाएगा, याद रखिए समझ में बात प्लस नहीं होगा केवीए में ये गुना होगा, केवीए टू पावर फैक्टर टोटल आउटपुट हुआ। देखिए आपको कितना मिला, मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट पता करना है तो कोई आप में से कोई काम करें, ध्यान दीजिए कोई चीज में बिजनेस आप इन्वेस्ट कर दिए तो आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी व्यक्ति को पता नहीं है, आप उसे दो चीज बता दीजिए तो आप इन्वेस्टमेंट बताएगा, पहला तो वो कि आपको कितना बचत हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ या कितना इनकम हुआ, ये इनकम बता दीजिए, और इनकम बताने के बाद उसको ये बताइए क्या खर्चा कितना थी, उसमें खर्चा कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, तो खर्च और इनकम को बता दीजिएगा तो टोटल वो बता देगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हुआ था, समझ ये बात समझ में आ जाती है आपको, आइए ये हो गया ठीक है। चलिए ये आपका दक्षता, इसी में अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो क्या करना है, 100 से आप गुणा कर दीजिएगा, दोनों लिखेगा पहले ये सीधा लिख लीजिएगा उसका परसेंटेज लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एफिशिएंसी जब भी पूछता है वो क्या पूछता है आपसे परसेंटेज पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जब इसकी परसेंटेज की बात करें अल्टरनेटिव का एवरेज, ये लाइन आपको याद रखिएगा, जो परसेंटेज एफिशिएंसी कहता है वो 65 से 68% के बीच में आता है, वो जनरली आता है। अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें लगभग 68 से 75% तक आता है, कितना 68 से 75, ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपको, अगर एफिशिएंसी पूछेगा अल्टरनेटिव का तो जनरली पूछेगा कितना होता है, ऑप्शन ये दोनों ही हो सकता है, कोई अगर जनरली पूछेगा तो 65 से 68% एफिशिएंसी होती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें हाई रेंज में बात करें तो 68 से 75% एफिशिएंसी होता है, दैट्स हाउ ये बात आपको जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है ये लिख लीजिए ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको एकदम हमने आपको कहा हम जितनी चीज आपको बोल रहे हैं इतना समझिए, इससे आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ पर डिस्कशन करेंगे ठीक है। क्वेश्चन बनाए इसलिए हमने क्वेश्चन लगाई, जितना क्वेश्चन आपको टैक करना होता क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बनाई। अब भाई अब क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटिव, ये पैरेलल ऑपरेशन क्यों करना होता है, हम ट्रांसफार्मर में भी पैरेलल ऑपरेशन आपको बताए थे, क्या होता है जब डिमांड बढ़ जाता है, जब डिमांड बढ़ जाता है
ऐसी स्थिति में अगर एक अल्टरनेटर से काम नहीं चलता है तो दो दो अल्टरनेटर चलाना पड़ता है। मान लीजिए आपके शहर में बात करें कि आपके शहर में डिमांड बढ़ गया और क्या है अल्टरनेटर एक ही है, कितना भी औकात लगा लीजिए तो एक अल्टरनेटर मैक्सिमम यहाँ पैदा करेगा, वोल्टेज देगा उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, नहीं तो ज्यादा ऑपरेशन करेगा उसका अल्टरनेटर बन जाएगा खराब हो गया, तो क्या करना पड़ेगा एक और अल्टरनेटर लगाएंगे। लेकिन याद रखिए कि दोनों अल्टरनेटर अलग अलग शहर में काम नहीं देंगे। मान लीजिए पावर जनरेटर पर दो अल्टरनेटर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके घर में यहाँ पर एक तार लगा हुआ है अब दो अल्टरनेटर लगाएगा तो दोनों बगल से तीन तीन तार आएगा, ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ना वहीं पर पैरेलल ऑपरेशन कर देता है। पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है कि आपको एक ही साथ साथ दोनों अल्टरनेटर का जोड़ करके आपको मिलेगा। ध्यान दें कैसे कैसे पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, एकदम सबको एकदम समझेंगे, क्लियरली समझेंगे। लेकिन याद रखिए डिमांड बढ़ने पर ये कुछ पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो डिमांड बढ़ जाता है, वोल्टेज डिमांड मार्केट बढ़ जाता है, कस्टमर का बढ़ जाता है, क्या होता है हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। दो चीज़ें, पहला एक चीज़ दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एक अल्टरनेटर चला गया, अगर किसी मशीन है मशीनरी चीज़ें तो गड़बड़ हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ध्यान दीजिए अगर मशीन एक गड़बड़ जाए आपका तो क्या करें, दूसरा मशीन लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या अल्टरनेटर लगा हुआ है, मान लीजिए एक मशीन आपसे शादी दिया में देखते हैं जैसे मैंने आपको दो दो मशीन लगी, तीन तीन मशीन लगी होती है, एक्स्ट्रा लगा होता है, बाय द वे कहीं एक मशीन गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, दूसरा तुरंत लगा के स्टार्ट करें, तो पता चलेगा कि आधा काम हुआ पहले, अब अंधेरा में क्या होगा, बराती है रातिया पूरा भेड़ होता है, जाते हैं आप लाइट कर दिया आधा घंटा तो समझिए कितना देर हो जाएगी, समझने की बात। और दूसरा जो आपका टेंट वाला या डेकोरेशन वाला जो पैसा लिया होता है उसको तो लाठी लगना ही लगना है, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं पूरा पैसा लिया होता है कोई गड़बड़ नहीं होता है वो एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो आपको कस्टमर से आप डिमांड कस्टमर आपका अल्टरनेटर खराब हो गया तो कितना देर करेगा, बहुत पता है एक दिन अल्टरनेटर को ठीक करना लगाना, बड़े बड़े डैम के साथ करना पड़ता है, क्या कहते हैं कोयल की आपको जो क्या कहते हैं कोयला वाला जो आपका पावर जनरेशन होता है वहाँ इतना आसान है कि घंटा दो घंटा एक दिन में ठीक कर दिया, इसलिए क्या कहते हैं दो दो अल्टरनेटर का व्यवस्था है उसको जाने के लिए, समझ में आपको। अब क्या अब इसको जोड़ते कैसे करें कि पहले अल्टरनेटर ऑपरेशन होता है, अल्टरनेटर का पहला ऑपरेशन होता क्या है इसको समझिए, क्या दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर में लगाने पर क्या कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग। आप सिंक्रोनाइजिंग समझिए, एक बार एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में जो क्या कहते हैं जिस घर में महिलाएं होती हैं या जो लोग आपको घर में टीवी देख रहे हैं तो टीवी आपका क्या हुआ चल रहा है, आपके घर में रिचार्ज खत्म हो गया, अब आपके जिम में पैसा नहीं, रिचार्ज नहीं कर सकते, और याद रखिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप है जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो क्या कहता है कि अगर या तो रिचार्ज खत्म हो गया रिचार्ज करवाइए, रिचार्ज खत्म नहीं वाली खराब हो गया, अब टीवी खराब हो गया, सीरियल का जिस मतलब लगा पर डे सीरियल चल रहा है तो सीरियल देखने वाले लोग हंगामा करेंगे भाई इसका टीवी ठीक होना चाहिए, लेकिन आपके पास मशीन वाला जो आपका टेंशन है वो भी नहीं है, मान पैसा है भी वो नहीं है तो आपको उसी दिन सीरियल देखना है उसी चैनल पर देखना है, तो भाई क्या करोगे क्या देगा, तब क्या करता है जुगाड़ लगाता है बंदा, क्या टीवी खराब हो गया चलो भाई दो दिन पैसा नहीं है या क्या कहते हैं मिस्त्री नहीं है तो या समय नहीं आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो क्या करता है जैसे टीवी की जगह पे एक लैपटॉप उस टीवी की तरह चला गया, जो टीवी टेलीविजन आपका सीरियल चैनल लगाता था टीवी टीमर होता है आपको जाते हैं टीवी टीमर लगाइए और आपका कोई भी डिस्प्ले आपको काम करने पर काम करने का टीवी का, तो बंदा क्या किया एक लैपटॉप को एज वेल एज टीवी की तरह चला दिया कोई जुगाड़ लगा, तो उसको क्या कहते हैं सिंक्रोनाइज, जो काम टीवी कर रहा था उसी स्थिति वो काम लैपटॉप पर कर रहा था, इसी को दैनिक जीवन में आप इसको पहले क्या करते सिंक्रोनाइज कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं इसको लैपटॉप को टीवी से, क्योंकि टीवी का काम कर रहा लैपटॉप पर, तो एक खराब हो गया दूसरा काम यही काम नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं सिंक्रोनाइज करते हैं निकाल देते हैं, समझ बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको समझा रहे कि दो अल्टरनेटर की सबसे पहले रखिए कि मान लीजिए कि आपको सप्लाई दे रहा है ठीक है बस बार है इसमें आर वाई बी या एल वन एल टू ठीक है इसमें मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये एक अल्टरनेटर ये और ये अल्टरनेटर है अल्टरनेटर ए वन ये एक इससे जो सप्लाई आएगा ये आर वाई बी ये अब यहाँ पर सिर्फ साइड में है ये आर वाई बी है और दूसरा अल्टरनेटर का आर डैस वाई डैस बी डैस करते लिख देते हैं आर वाई बी देगा और इसका समझेगा कि आर डैस बी डैस और वाई डैस ठीक है नाम तो बदलना पड़ेगा आपको याद रखिए इन दोनों को क्या कर रहा है एक बस बार क्या समझिएगा खोखले गोले पाइप का होता है ठीक है याद रखिएगा खोखला गोला पाइप क्लियर समझिएगा ये सब होता है ये इसमें बस मारा देखिए आपको कहीं जाकर के जो सब स्टेशन है फीडर है और ये आपको मिल जाकर जहाँ दो तीन ट्रांसफॉर्म होते हैं या कनेक्शन को करना होता है तो वहाँ पर जरूरी होता है तो ध्यान दीजिए तो इसको क्या बस बात से करना है इधर आपको सप्लाई कस्टमर को जाएगा यहाँ से इधर कस्टमर को जाएगा लेकिन यार अल्टरनेटर देखना है सप्लाई मान लीजिए यहाँ पर हम क्लियर बना रहे हैं ये मान लीजिए आ रहे हैं कार वाला ऊपर है इसको ऐसे ले जाइए अब ये नहीं देना चाहिए इसका मतलब है कि तार इन दोनों में नहीं सटा है ये आर वाला है मान लीजिए आर है इसका जो वाई है इसमें लगा दीजिए और इसका जो बी है यहाँ जोड़ दीजिए ठीक है ये आर वाई बी है अभी अल्टरनेटर आपका चल रहा है आपको सप्लाई मिल रहा है लेकिन डिमांड बढ़ गया तो डिमांड बढ़ने के बाद इस अल्टरनेटर में इस अल्टरनेटर को भी स्टार्ट करना है इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मन होगा वैसे स्टार्ट कर दिया जाए इसको स्टार्ट करने के लिए शर्तें होती है जिस सबको आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्टरनेटर को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए ऐसा नहीं मान लीजिए सिंक्रोनाइजिंग चलने के लिए एग्जांपल बताइए जैसे आप कार्ट देखेंगे बैल गाड़ी जिसको बोलते हैं तो या कोई भी ऐसा बैल गाड़ी का एग्जांपल आप देखेंगे क्या उसमें दोनों बैल होगा बैल जब आपको लगा आप बाइक लगा या आपके दोस्त लगा दो दोस्त लगा मान लीजिए कि दोनों को उस बैल गाड़ी खींचना एक आदमी पहले धक्का लगाएगा पीछे वाला दबा जाएगा इसका मतलब क्या दिक्कत या दूसरा गिर भी सकता है मुंह भी टूट सकता है पता चलेगा जितना सुंदर है उससे सुंदर हो जाएगा गिरने के बाद या पैर टूट सकता है विकलांग हो सकता है तो कहने का मतलब दोनों को अगर उठाना होता है तो दोनों सेम बजे से दोनों होता ना उसके दोनों तरफ ही होता है ना सवाल दोनों तरफ क्या होता है तो इसको दोनों को सीधा पड़ेगा दोनों में से एक में ज्यादा पकड़ने वाला एक साइड ज्यादा सकता हूँ तो भी दिक्कत है कहने का मतलब साथ साथ समाज चलने के लिए कंडीशन होता है समझ में बात क्या है उसमें कई चीज़ का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर वो नहीं है यहाँ पर रखा जाएगा यहाँ पर क्या क्या रखा जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा आपको पूछा जाएगा ठीक है यहाँ देखिए भाई ये फिगर जो आप क्या हाँ यहाँ पर कैसे करते हैं जोड़ देते हैं कब जोड़ेंगे यहाँ बताएंगे यहाँ ये इसका आर आर डैश वाई डैश होगा इसका आर भी चला इसमें चलेगा पैसे जोड़ेंगे ये भी नहीं बताया आपको अभी ये बताएंगे ऐसे नहीं जैसे जोड़ना है जोड़ेंगे ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है चलाएंगे ना यहाँ पर देखिए जोड़ने वाले सिस्टम के बीच में होता ठीक है फिर कनेक्ट करते हैं चलिए आप बात करते हैं इसके बारे में ये फिगर आप एक बार हम फिर करेंगे या तो छोड़ लीजिए या तो आपको फोन कर लीजिए ठीक है चलिए हम चलते हैं है कि समांतर परिचालन की सकते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन पहले ऑपरेशन के लिए क्या क्या सत्य होना चाहिए दोनों अल्टरनेटर के बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान है यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि दो अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कौन कौन से बात भाई अभी किस देखिए फिगर को आप बना लिए होंगे या सोचने छोड़ लिए होंगे अब कह रहा है
कि समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले अल्टरनेटर का प्रत्येक फेज कंडक्टर पहले से कार्यरत अल्टरनेटर के संबंधित फेज में जोड़े जाने के समय दोनों का संबंधित होना चाहिए, फेज वोल्टेज होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेज वोल्टेज समान होना चाहिए। अब हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि दो अल्टरनेटर था, एक और दो, ये अल्टरनेटर A1 और ये अल्टरनेटर A2, इसमें भी RYB हुआ, इसमें भी RYB हुआ, लेकिन लगाएंगे इसको बस बार। इसका जो R है, Y है, B है, इसका R डैश, इसका B डैश, इसका Y डैश, R और R के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पर देखिए R और R डैश में फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। दूसरा मतलब Y ये पहले से कहा जाता है फर्स्ट वाला, इसको लगाएंगे सेकंड वाला को, पहले आपको जोड़ना है। इसका आर में जितना फेज डिफरेंस है उतना भी फेज एंगल होना चाहिए इसमें। इसका मतलब इसके तीनों में आर और आर एस वाई वाई एस और बी डैश में क्या होना चाहिए? फेज एंगल यानी फेज वोल्टेज क्या होना चाहिए? फेज वोल्टेज पर समझिए, फेज वोल्टेज ये भी वन तक यानी सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है देखिए, फर्स्ट कंडीशन, यही बात आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे क्या है कि दोनों अल्टरनेटर को का जो फेज सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब फेज सीक्वेंस समझते हैं, क्या बताए फेज सीक्वेंस आर वाई बी होता है, लेकिन याद रखिएगा कह रहा है कि ये जो अल्टरनेटर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका आर मान लिया आर वाई बी पहले से फिगर में आप लिखे, इसका आर वाई और बी, ये आर है और ये वाई था और ये बी था। याद रखिए कह रहा है कि इस अल्टरनेटर का आर, इसका आर ऊपर वाला लगा हुआ, इसका भी आर ऐसा नहीं है जिसके बीच वाले वाला जोड़, तो इसका आर जिस तार में जुड़ा है इसका भी आर उसी तार में जुड़ना चाहिए, और इसका वाई जिस बीच वाला में जुड़ा गया है इसका भी, इसका वाई बीच वाला में, इसका वाई बीच वाला में, इसका ब्लू सबसे नीचे वाला में इसका भी ब्लू वाला था, इसके नीचे वाला वाला, यानी आपस में याद देखिए आर वाई बी आर एस वाई एस बी एस के समान होना चाहिए। समझ बात को कि जैसे एग्जाम होगा कि एक ही साथ सेम वोल्टेज नहीं पड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो उसका फिर से गड़बड़ा जाएगा और सप्लाई वोल्टेज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब है कि दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति समान होना चाहिए, इसका मतलब जो अल्टरनेटर आपको मालूम आपका इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 Hz, कितना 50 Hz, याद रखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 Hz है तो आपका अल्टरनेटर इंडिया में लगाएं, इंडिया का फ्रीक्वेंसी की तरफ से आपका फ्रीक्वेंसी 50 Hz है, मालूम 50 Hz से अगर ये पैदा कर रहा है इसका भी क्या होना चाहिए? 50 Hz फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है, 50 Hz की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इसका दोनों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? ये बात आपको याद रखना चाहिए, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट का बात करें कह रहे हैं दोनों अल्टरनेटर का फेज एंगल समान होना चाहिए, याद रखिए कितना एंगल आर और वाई के बीच में डिफरेंस 120 डिग्री, इसका भी 120 डिग्री, देखिए तीन फेज अल्टरनेटर में आपस में फेजों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है भाई, 120 डिग्री, कितना का 120 डिग्री, तो इसके तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसके भी तीनों फेज कितने होना चाहिए? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस फेज एंगल होना चाहिए। ये बातें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपको पूछता है जो यहाँ पर लिखा गया नहीं है, क्वेश्चन बार आता है, पहले जहाँ आपको बताएं उस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, आप इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी क्वेश्चन। अब ये भी नेक्स्ट क्लास में देखिए कि पहले में जोड़ते हैं, जोड़ने के कौन कौन से विधि होते हैं, जोड़ने के लिए शर्त है क्या, कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, लेकिन जोड़ेंगे कब, कैसे, कौन से सिचुएशन, कैसे पता चलेगा कि फेज स्पीड समान है, कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी समान है, कैसे पता चलेगा सब पावर का, ये तो होना चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी समान है ये कैसे पता चलेगा? आर वाई ने कहा कि जिसमें आर में बोलते हैं उसमें दूसरे आरएस में भी बोलते वैसे होंगे, तो कैसे पता चलेगा दोनों का वोल्टेज समान हो गया? ये करने के लिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक ये आपको नोट करिए, और नेक्स्ट चलिए आपको अभी बता रहे हैं, याद रखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको लिखा हुआ कहीं पर, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये क्या आपका L1 L2 या आर वाई बी लिख रहे थे, L3 ये है आपका बस बार, समझ नहीं क्या बोलते हैं, बस बार जो बस बार का मतलब जहाँ सेल्टर से वोल्टेज पैदा हुआ और आपको क्या हुआ मिलेगा कैसे, इसमें जोड़ दीजिएगा मिलेगा, ये पूछते आगे, तो ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये अपना अल्टरनेटर A1 अल्टरनेटर A2 है और इसका जो R1 आर वाई बी है इसको जोड़ दिए, और ये भी उसी तरह से जुड़ा गया है, इसका R, इसका Y और इसका B तीनों जुड़ा गया, क्या तीनों जोड़ दिया। इस समय में अगर एक अल्टरनेटर खराब हो जाए, खराब छोड़ दिया, बंद कर दीजिए, अगर एक को प्राइम ओवर, दोनों में अल्टरनेटर क्या करते हैं, भाई अल्टरनेटर को घुमाने के लिए टरबाइन या डेम या स्टीम बाप ये इंजन का प्रयोग करते, समझ लेना, मान लीजिए कि डिमांड आपका कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो एक अल्टरनेटर को क्या करिए, प्राइम ओवर लगाया उसको आपका रास्ते हटा दीजिए, इसे कर दिया, घूमने वाला जुगाड़ नहीं है, इसके अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने का जुगाड़ बंद कर दीजिए, तो अभी आगे बस बात से जुड़ा है, ये देखिए आप खोलेंगे तो क्या होगा, ये अल्टरनेटर मान लीजिए चल रहा है, ये स्टार्ट है, इसका घुमाने का खत्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसी बस बार से क्या लेगा, सप्लाई लेगा, और ये एक अल्टरनेटर जो है वो एक मोटर की तरह चल जाएगा, क्या कैसे चलेगा, एक मोटर की तरह, यानी एक तुल्यकालिक मोटर मोटर की तरह चल जाएगा। ये पूछा जाएगा कि दो अल्टरनेटर पैनल चल रहे हैं, एक अल्टरनेटर की प्राइम ओवर यानी घुमाने की बंद कर दिया जाए, अल्टरनेटर किस से खास करेगा, आपको समझ आ गया, ये तो इसी सप्लाई लेगा और ये अल्टरनेटर आपका मोटर की तरह काम कर लेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लीजिएगा, जब कभी भी एक दो अल्टरनेटर समांतर में लगे हो, क्या जब दो अल्टरनेटर समांतर में लगे हो और एक अल्टरनेटर का घुमाने की यांत्रिक शक्ति से प्राइम ओवर क्या हटा लिया जाए तो वह अल्टरनेटर क्या करता है, एक सिंक्रोनस मोटर की तरह ये करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ बात, ये फिगर बना लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे आगे, इसको पैरेलल ऑपरेशन की जो पैरेलल ऑपरेशन करेंगे उस पैरेलल ऑपरेशन के कौन कौन से कंडीशन है, किसे किसे जुड़ेंगे, कब पता चलेगा आर आर के साथ समान है, कब पता चलेगा कि वाई वाई में वोल्टेज सेम है, कब पता चलेगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी समान है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे पैरेलल ऑपरेशन में, वो हम क्या करेंगे पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन थे, अब मेथड कौन कौन सा होता है जोड़ने के लिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।